गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा विद्या शाखा. टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माई फोर्थ लेक्चर, स्टडी मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी. स्टडी मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम मनोविज्ञान के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि मनोविज्ञान में कौन कौन सी विधियों से बालकों की समस्याओं के बारे में पता लगाया जाता है. बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की. शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधि से तात्पर्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने तत्वों के संकलन में अपनी परिकल्पना की जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से है. सीधा अगर मैं बात करूँ मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग जो हम तत्वों का संकलन करते हैं और उन तत्वों को संकलन के दौरान जब हम किसी भी डाटा की जांच करते हैं, तो जांच के उपरांत जो मनोवैज्ञानिक विधियों का हम प्रयोग करते हैं उसे मनोवैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत हमने कई ऐसी विधियों का प्रयोग किया है जो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. विधि शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए चार्ल्स रीड ने लिखा है कि वैज्ञानिक भाषा में विधि शब्द का प्रयोग उस मार्ग को सूचित करना है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है. बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर हम ज़्यादातर सत्य की खोज के लिए, मतलब सत्य क्या है, जो घटना घटित हो रही है क्या वो घटना बिल्कुल सत्य है, उस सत्य की जानकारी के लिए हम मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं. और ज़्यादातर जिस मनोवैज्ञानिक विधि का हम प्रयोग करते हैं वो ज़्यादातर विश्वसनीय होती है और वैध होती है, क्योंकि किसी भी रिसर्च के दौरान जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए, जो हम उद्देश्य बनाते हैं, जो हम परिकल्पना का निर्धारित करते हैं, और जब उन परिकल्पनाओं के आधार पर हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, तत्वों को इकट्ठा करते हैं, और उन तत्वों को इकट्ठा करने के बाद जब हम मनोवैज्ञानिक विधि के माध्यम से जब हम उसकी जाँच करते हैं, तो जांच में हमेशा यही देखा जाता है कि जो आपके द्वारा जांच किया जा रहा है उसमें कितनी विश्वसनीयता है और कितनी वैधता है. क्योंकि जितना आपके द्वारा जो भी रिसर्च वर्क किया जा रहा है उसमें जितनी ज़्यादा विश्वसनीयता होगी, जितना ज़्यादा यथार्थ होगा आपका डाटा, उतने ही आपका जो रिसर्च वर्क होता है वो वैध माना जाता है. तो इसलिए यहाँ पर चार्ल्स रीड ने लिखा है कि वैज्ञानिक भाषा में विधि शब्द का प्रयोग उस मार्ग को सूचित करना है जिस मार्ग पर चलकर हम सत्य की खोज कर रहे होते हैं. ठीक है, आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उसमें मुख्यतः कौन कौन सी विधियाँ हैं जिन विधियों के माध्यम से हम रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाते हैं. तो जिसमें पहली विधि है अंतर्दर्शन विधि, दूसरी विधि है रेटिंग स्केल विधि, तीसरी विधि है बहिर्दर्शन विधि, चौथी विधि है जीवन व्रत विधि, और पांचवी विधि है मनोविश्लेषण विधि, और छठवीं विधि है प्रश्नावली विधि, और सातवीं विधि है समाज मिति विधि, और आठवीं जो विधि का प्रयोग हम करते हैं उस जिसमें आता है प्रयोगात्मक विधि या परीक्षण विधि. ये आठ विधियां मुख्य विधियों में से आती हैं जिसके माध्यम से हम जो परिकल्पना हम परिकल्पनाओं का जो हम निर्माण करते हैं समस्या के आधार पर, जो वर्तमान में समस्या है या पूर्व में कोई भी समस्या अगर घटित हो चुकी है और उस समस्या के आधार पर हम जिन उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं कि इन उद्देश्य को हमें आगे फाइंड आउट करना है, और उस उद्देश्य को फाइंड आउट करने के लिए हम एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, और परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए हम कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक विधि को हम प्रयोग में लाते हैं. और उन मनोवैज्ञानिक विधियों में मैंने आठ विधि आपको बताई जिसमें मैं एक एक करके अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, जिसमें से पहली विधि है अंतर्दर्शन विधि. अंतर्दर्शन विधि, इसके जनक जो हैं, इस विधि की जो खोज की थी या इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं विलियम बुंट. विलियम बुंट के द्वारा, या विलियम बुंट के एक सहयोगी भी थे जिनका नाम टिचलर या टिचनर थे, जिन्होंने जिनके सहयोग से उन्होंने इस विधि का
विधि की खोज की थी या इस विधि के माध्यम से उन्होंने ढेर सारे प्रयोग किए थे और उन्होंने बताया था कि अंतर्दर्शन विधि में क्या होता है। तो बात करते हैं अंतर्दर्शन विधि क्या है। तो अंतर्दर्शन का अर्थ होता है अंदर की ओर देखना, अंदर की ओर देखना, यानी कि इस विधि में स्वयं के व्यवहार को अवलोकित किया जाता है। मतलब हम हमारे सामने जो परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति में हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे होते हैं, तो उस व्यवहार को हमें स्वयं देखना होता है। हम स्वयं उस विधि का अवलोकन करते हैं, स्वयं हम उसका अवलोकन करते हैं और स्वयं अपनी कमियों को जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। तो अंतर्दर्शन विधि यानी कि अंदर की ओर देखना, यानी कि इस विधि में स्वयं के व्यवहार को अवलोकित किया जाता है। यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि बताई जाती है। इसे अंतर्निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि जब वो परिवार के संपर्क में आता है, जैसे कोई भी बालक है जब वो परिवार के संपर्क में होता है या वातावरण के संपर्क में होता है या विद्यालय में जो गतिविधियां होती हैं, उस गतिविधियों के दौरान जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, आपने देखा होगा एक बालक परिवार के साथ में जब होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, दूसरे तरीके का होता है। जब वो दोस्तों के संपर्क में आता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जब अपने से बड़ों से मिलता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो समाज के संपर्क में जब आता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अपने मित्रों के साथ में मिलता है तो उसके व्यवहार में कुछ अलग देखने को मिलता है। तो यहां पर हम उस बालक के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन को हम देखने का प्रयास करते हैं कि जब वो कई लोगों से, एक बालक जब कई लोगों से मिलता है तो उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से वो बात करता है, उसके साथ में उसके बैठने का तरीका क्या है, उसके खाने पीने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीजों का जो हम अध्ययन करते हैं वो अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम समय समय पर बच्चों से मिलते हैं और बच्चों से मिलने के बाद हम उनके व्यवहारों को अवलोकित करते हैं और अवलोकित करने के बाद फिर हम उसकी गणना करते हैं, यानी कि निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किस तरीके के बालकों का किस तरीके का व्यवहार होता है और उस व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सेकेंड विधि है रेटिंग स्केल विधि। तो रेटिंग स्केल विधि का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो इंडियाना की न्यू होम कॉलोनी में किया गया था। सबसे पहले इस विधि में किसी व्यक्ति के व्यवहार एवं विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से उसके विचार लेकर किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में उसके साथियों से पूछताछ करके हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि उसके व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। और जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन किस कारण से हो रहा है और क्यों हो रहा है, मैं इसको बता देता हूं। रेटिंग स्केल विधि, यानी कि रेटिंग स्केल विधि में एक जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, वो शोधकर्ता उस बालक से या बालक से स्वयं संपर्क करके निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, बल्कि उसके साथ में जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं या उसके साथ में जो रहने वाले मित्र होते हैं उनसे हम उसके व्यवहार के बारे में क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है, किस समय उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि उनका स्वभाव कैसा है, हंसमुख स्वभाव के हैं, कठोर स्वभाव के हैं, किस तरीके का उनका स्वभाव है, किस तरीके का उनका नेचर है। यहाँ पर रेटिंग स्केल में यहाँ पर हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पता तो लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हम उस व्यक्ति से बात नहीं करते, हम किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उसके बारे में पता लगाकर उसकी गतिविधियों को, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं।
और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किस तरीके से रेटिंग स्केल विधि के माध्यम से किस तरीके से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो। तीसरा है बई दर्शन विधि। इस विधि की जो खोज है या इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है जेवी वाटसन। जेवी वाटसन ये बहुत बड़े व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। जेवी वाटसन बहुत बड़े व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन ने कहा था कि आप मुझे 10 बच्चे दीजिए और आप जो चाहेंगे मैं उसे वो बना दूंगा, यानी कि मुझे उस बालक को उस एटमॉस्फियर में रखने की जरूरत है। अगर मैं चाहता हूं कि उस बालक को चोर बना दिया जाए तो मुझे चोर का एटमॉस्फियर देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसे डॉक्टर बना दिया जाए तो उस बच्चे को डॉक्टर के एटमॉस्फियर में रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चे को शिक्षक बनाना है तो हमें शिक्षक के एटमॉस्फियर में रखना होगा। ये वाटसन का कहना है। इस विधि में जो बहिर्दर्शन विधि होती है, इस विधि में अन्य किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। यहाँ पर सीधी सी बात की जा रही है कि यहाँ पर हम अवलोकन तो करते हैं लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम अवलोकन करते हैं, उसके व्यवहार का पता लगाते हैं। और उसके व्यवहार का हमें पता कैसे लगाना है, हमें उसके साथ में रहना होगा और हमें वो माहौल उस व्यक्ति को देना होगा जो हम उसमें देख रहे हैं, जो उसमें ढूंढ रहे हैं हम। तो वही दर्शन विधि में, इस विधि में अन्य किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें उसके साथ में रहना होगा और उसे वो व्यवहार यानी कि वो हमें एटमॉस्फियर, वो वातावरण हमें देना होगा जो वातावरण में हम उसको ढालना चाहते हैं या जो वातावरण में हम उसे परिवर्तित करना चाहते हैं। चौथी विधि है जीवन व्रत विधि। इस विधि के जो खोज करते हैं वो टाइडमैन है और इस विधि में केस हिस्ट्री पर ध्यान दिया जाता है। केस हिस्ट्री यानी कि जो समस्या घट चुकी है, जो समस्या घटित हुई है, जो घटना घट चुकी है उस घटना के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि पूर्व में जो घटना घटित हो चुकी है उस घटना के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसलिए इसको केस स्टडी मेथड कहा जाता है। इस विधि में केस स्टडी पर ध्यान दिया जाता है। यह विधि चिकित्सा क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी होती है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है या पूर्व में कोई उसको बीमारी थी और उस बीमारी की वजह से कोई दूसरी बीमारी उसमें आ जाती है तो हम क्या करते हैं, पूर्व की हिस्ट्री के बारे में हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। पूर्व में जो समस्या थी, जो घटना घटित हुई थी उसके साथ में, उस समस्या के बारे में हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और ज़्यादातर ये केस स्टडी जो होती है वो चिकित्सा के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपसे पूर्व की बातों को पूछते हैं कि आप क्या खाते थे, क्या पीते थे, आपका रहन सहन कैसा है, आपको पूर्व में कोई बीमारी तो नहीं थी या आप किसी दूसरी बीमारी से तो ग्रसित नहीं थे। तो ये केस स्टडी होती है। यहाँ पर हम पूर्व की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उस समस्या के आधार पर हम उस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जिस निष्कर्ष की हम खोज में लगे रहते हैं। तो ज़्यादातर इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है लेकिन आजकल इस विधि का जो प्रयोग है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाने लगा है। और इस विधि का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारणों की खोज करना होता है, किसी विशिष्ट कारणों की खोज करना होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बालक जो होते हैं वो किसी विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं और वो विशेष परिस्थिति में जो विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या कारण है, तो उस कारण को हम क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में चोरी करते हैं, दूसरे के सामान को अपने बैग में रख लेना या चोरी कर लेना, पैसे चुरा लेना, किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल चोरी कर लेना, किसी का टिफिन खा लेना, तो ये विशेष प्रकार की एक जो बच्चे में एक व्यवहार दिख रहा है
एक विशेष परिस्थिति, और वो क्यों कर रहा होता है, एक विशेष परिस्थिति के कारण कर रहा होता है, जैसे झूठ बोलना। क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्या परिस्थिति है, क्या उसके पास पेंसिल नहीं है, क्या उसके पास लंच बॉक्स नहीं है, क्यों उसने होमवर्क नहीं किया है, और जिसके कारण वो झूठ बोल रहा है। तो ये सारी जो आपको समस्याएं दिख रही हैं एक बच्चे के अंदर, उन्हीं समस्याओं का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। इसलिए उसे केस स्टडी कहा जाता है। जैसे किसी बच्चे के बार बार किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आना, तो क्यों नंबर कम आ रहे हैं, जबकि वो बच्चा बराबर स्टडी करता है, बराबर क्लास में बैठ के पढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि क्यों उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, जबकि वो कंटिन्यू क्लास जाता है, कंटिन्यू पढ़ता है। और कोई बच्चा बार बार होमवर्क नहीं करके लाता, बार बार झूठ बोलता है, बार बार चोरी करता है, तो उसकी चोरी करने का कारण क्या है, झूठ बोलने का कारण क्या है, होमवर्क ना करने का कारण क्या है, उन सारी समस्याओं का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और वो केस स्टडी के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। नेक्स्ट विधि है मनोविश्लेषण विधि, और इस विधि के जो जन्मदाता है वो है सिगमंड फ्राइड। ये जो विधि है सिगमंड फ्राइड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि होती है। यह विधि जो है ये मन के विश्लेषण पर आधारित है, मन के विश्लेषण पर आधारित है, और इसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का हम क्लास के दौरान ढेर सारा अध्ययन करते हैं, ढेर सारा सीखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बच्चे को जो चीज सिखाई जा रही है वो संपूर्ण उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। कभी कभी क्या होता है कि उसमें से बहुत सारे तत्वों को हम भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो यानी कि पढ़ने के बाद भी हमें कोई चीज अगर याद नहीं आती है तो वो हमारे कहां चली जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और यहां पर हम अनकॉन्शियस जो माइंड है उसके बारे में ही हम क्या करते हैं, यहां पर अध्ययन करते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्नावली विधि, और प्रश्नावली विधि के जो जन्मदाता है वो वुडवर्थ है। वुडवर्थ जिन्होंने इस विधि की खोज की थी, और उन्होंने बताया था कि इस विधि के माध्यम से एक ही समस्या पर अनेक व्यक्तियों की राय ली जाती है। जैसे न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं या न्यूज एंकर्स होते हैं, वो हमेशा उनका सवाल एक ही होता है, लेकिन वो कई लोगों से उस सवाल के आंसर्स जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर वो चीज, यहां पर यही चीज बताई जा रही है प्रश्नावली विधि में। प्रश्नावली विधि में एक ही प्रश्न को कई लोगों से पूछा जाता है, और पूछने के बाद उसके सवाल, उस सवालों के आंसर क्या क्या दिए गए हैं, और उनमें से कौन सा आंसर बेस्ट है, उस बेस्ट आंसर की खोज यहां पर की जाती है। तो इस विधि के माध्यम से एक ही समस्या पर अनेक व्यक्तियों की राय ली जाती है, यानी कि एक ही समस्या पर विभिन्न व्यक्तियों के विचार जाने जाते हैं। ये चीज यहां पे हमें समझना है प्रश्नावली विधि में। प्रश्नावली विधि आपने देखा हो, जो आप टेस्ट पेपर देते हैं ना, टेस्ट पेपर देते हैं तो टेस्ट पेपर तो एक ही होता है। टेस्ट पेपर में सेम क्वेश्चंस सभी लोगों से पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग देते हैं। फिर ये देखा जाता है कि किसने बेस्ट आंसर उसमें से दिया है, और उसी के नंबर अच्छे आते हैं। तो प्रश्नावली विधि में हम एक ही प्रश्न को कई लोगों से पूछते हैं, और सही यानी कि जो सटीक आंसर जो देता है, यानी कि जो बेस्ट आंसर देता है ये, या फिर ये कहें कि जो बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, हम उसी को फिर क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सेवेंथ पॉइंट है हमारा समासमिति विधि, और इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं J.L. मोरिनो। इस विधि का जो प्रयोग है वो समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। किसमें किया जाता है, समाज मनोविज्ञान विधि में, यानी कि जो सोशल समस्याएं होती हैं, समाज से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं
के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको समाज मिति विधि कहा जाता है। ठीक है, समाज से जुड़ी हुई समस्याओं का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हमारी जो विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि, यानी कि परीक्षण विधि। और परीक्षण विधि की जो खोज की थी वो की थी विलियम वुंट ने। किसने की थी, विलियम वुंट ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, और इस विधि में चरों और घटनाओं के मध्य संबंधों की खोजबीन की जाती है। जो चर होते हैं, जैसे कोई रिसर्चर जो होता है, जो रिसर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो अपने समस्या के आधार पर चरों का निर्धारण करता है, अपनी समस्या के आधार पर चरों का क्या करता है, निर्धारण करता है। और चरों जो चर होते हैं, और चर और जो घटना घटित हुई है उसके बीच में जो संबंध होता है, उसी संबंध की खोजबीन की जाती है। और इन्हीं चरों और घटनाओं के बीच में जो संबंध को पता लगाया जाता है वो प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से पता लगाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में चरों और घटनाओं के बीच के संबंध को पता लगाया जाता है, और उसी के आधार पे हम फिर हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, और हाइपोथेसिस के आधार पर फिर हम मेथोलॉजी का यूज़ करते हैं, और सही मेथोलॉजी के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर फिर व्यक्ति उस पर सुझाव देता है। डेट्स ऑल, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे। थैंक यू।